असलम गाइज़, वेलकम टू ब्यूटी बिट्स। तो आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी वो है आपके सामने डॉक्टर रेशल की डे क्रीम, ये देखें। तो कंप्लीट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अच्छा, तो ये जो क्रीम है डॉक्टर रेशल की, इसकी ये जो रेंज सीरीज़ है वो है वाइटामिन सी सीरीज़, ठीक है। एक जो सीरीज़ है वो वाइटनिंग की है, ये जो वाइटनिंग है वो विटामिन सी की है, ठीक है। ये इजीली आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, किसी अच्छे लीडिंग स्टोर पे भी मिल जाएगी। इसकी पैकेजिंग है कुछ ऐसे, इसका ग्लास का जार है, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका बना हुआ जार, और ये इसकी पैकेजिंग है। इस क्रीम की जो प्राइस है वो है 995, यानी कि 1000 की क्रीम आपको मिलेगी। वैसे मोस्टली इसका जो है वो ऑफ लगता रहता है, तो अभी मैं चेक कर रही थी ऑनलाइन, तो ये ऑफ पे जो है वो आई थिंक 850 की मिल रही है, 850 की, 700 तक भी मिल जाती है, 750 की भी, जैसे जैसे ऑफ लगता है उस हिसाब से मिलती है। आप इसका ऑफिशियल पेज चेक करेंगे तो आपको उस पर मिल जाएगी ये क्रीम, इसकी प्राइस जो अभी ऑफ चल रहा है वो मिल जाएगा। तो ये जो क्रीम है, इसके प्रोज एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रीम जो है डॉक्टर रेशल की डे क्रीम, ये क्लेम क्या करते हैं। तो इस पर उन्होंने मैंशन किया हुआ है, ये इस साइड में दिखाती हूँ आपको, ये इसके उन्होंने बेनिफिट्स मेंशन किए हैं कि इसमें नियासिनमाइड है, एंटी एजिंग है, ब्राइटनिंग है। नियासिनमाइड जो है वो एंटी एजिंग के लिए होता है, और विटामिन सी जो है उससे ब्राइटनिंग होती है। अच्छा, तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो इससे ये है कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन को स्मूथ करेगी क्रीम, ब्राइटनिंग देगी आपकी स्किन को, एंटी एजिंग भी है, मॉइस्चराइज भी करेगी, तो और साथ में आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कॉन्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो वाइटनिंग इफ़ेक्ट है, जो आपकी स्किन को ये ब्राइटन अप करेगी, तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने जैसे कि लोकल मार्केट्स में जो क्रीम्स मिलती हैं, गोल्डन पर और फायदा टाइप्स वाली जो भी क्रीम्स हैं, उस टाइप का नहीं है कि आपका 1 वीक में जो आपका कलर इंस्टेंट जो फेयर हो जाए, उस टाइप का सीन कुछ भी नहीं है। आपको स्लोली प्रोसेस है इसका कलर फेयर करने में, ब्राइटन अप करने में। और साथ में इसका जो सबसे जो बात इसकी मुझे अच्छी नहीं लगी, ये वैसे आल स्किन टाइप्स के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद इस क्रीम में जो है वो आपके फेस पे आपको ऑयल फील होने लग जाता है। हालांकि नॉर्मल स्किन वालों की स्किन ऑयली नहीं होती, लेकिन ये क्रीम में मॉइस्चराइजिंग लेवल थोड़ा इतना हाई है कि जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उनकी स्किन, उनको भी अपनी फेस पर ऑयल फील होता है, जैसे उनकी स्किन ऑयली हो रही है। ग्लो तो फील होता ही है, लेकिन उसके साथ जो ऑयल फील होता है ना वो सही नहीं होता। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो जाना है तो उसमें जो ऑयली है ना फेस, वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद इसका जो दूसरा सबसे बड़ा जो है वो कॉन्स हैं, उनमें ये चीज़ शामिल है कि इसमें जो वाइटनिंग इफ़ेक्ट है, जैसे कि वाइट टोन वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। जब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं तो जैसे कोई हम SPF अप्लाई करते हैं तो उसी की तरह सेम वाइट इफेक्ट फेस पे ये दे देता है, और सही से पता चल जाता है कि मुंह पे कोई चीज़ अच्छी खासी जो है वो अप्लाई की है। या नज़र आ रहा होगा कि आपको ये ऐसे एक लेवल, एक जो है एक कोट जो है, ऐसे लगता है जैसे आपने कोई बेस टाइप का कोई कोट अप्लाई कर लिया फेस पर। तो डे में इस तरह हम अप्लाई करके कहीं बाहर भी नहीं, बाहर वगैरह बंदा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर आप इसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेंगे तो उसे यह है कि आपकी फिर ब्राइटनिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़ी ज़्यादा इसके लिए ले लेते हैं क्वांटिटी अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको ऐसे फील होगा जैसे आपने कोई SPF अप्लाई किया है जो कि सही से वैनिश नहीं हुआ, ठीक है। और साथ में इसके ये है कि ये जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नहीं ठीक है, क्योंकि स्किन पहले ही ऑयली होती है, और इसको अप्लाई करने के बाद मज़ीद जो है वो स्किन ऑयली हो जाती है। तो जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए स्किन जो ये क्रीम जो है वो सूटेबल है, क्योंकि उनकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है और ग्लो करती है और ब्राइटन ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस प्रोडक्ट का जो है रिव्यू पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।